नमस्ते, साइनवे की वीडियो लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज के इस नए वीडियो में हम जानते हैं कैसे आप साइनवे के टचबेस प्रो या टीडीएस प्रो सॉफ्टवेयर के जरिए आपका 24Q का क्वार्टर 4 का न्यू एम्प्लॉई ऐड करके टीडीएस का रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। तो ये दिखाने के लिए मैं ऑलरेडी टचबेस सॉफ्टवेयर में लॉग इन हो चुका हूँ, एप्लीकेशन में टीडीएस में आ चुका हूँ। अब आपको सबसे फर्स्ट टीडीएस रिटर्न रिवाइज करने के लिए आपको वेबसाइट से .tds फाइल डाउनलोड करके लेनी होगी। सो जो मैंने आपको दिखाने के लिए डाउनलोड करके ली है। फिर आपको आना है टीडीएस डेटा एंट्री में ETDS करेक्शन स्टेटमेंट, फाइल ओपन न्यू, यहाँ आपको .tds फाइल सिलेक्ट करनी होगी। ओपन ओके, सैलरी डिटेल्स। अब आपको एक एम्प्लॉई, दो एम्प्लॉई, जितने भी एम्प्लॉई ऐड करने हैं, सो टॉप पोजीशन में ऐड पे क्लिक करना है, नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट करना है, ओके। फिर जो एम्प्लॉई को ऐड करना है उसका यहाँ आपको पैन नंबर प्रोवाइड करना है, उसका नाम, कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट पीरियड, ग्रॉस सैलरी, यहाँ आप उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स ऐड करने के लिए यहाँ ऐड, नंबर ऑफ रोज 2, ओके। यहाँ आपको चूज करना है 40,000, प्रोफेशनल टैक्स, तो इसका टोटल यहाँ ऊपर अपडेट होगा। फिर आपको आना है राइट साइड में, चैप्टर 6 का डिडक्शन ऐड करने के लिए आपको यहाँ ऐड, नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट करना है, ओके। फिर यहाँ आपका जो भी सेक्शन के अगेंस्ट डिडक्शन रहेगा चैप्टर 6 का, वो चूज करना है, उसकी अमाउंट, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। तो ये डिटेल्स अपडेट करने के बाद यहाँ ऊपर आपका चैप्टर 6 का डिडक्शन आएगा। फिर आपको इनकम टैक्स कितना चार्ज हुआ है, फिर करंट एम्प्लॉयर ने आपका कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, राइट साइड पे आपको आना है, आपको यहाँ आपका जो ग्रॉस सैलरी है उसे एंटर करना है। फिर इस ग्रॉस सैलरी के अगेंस्ट यानी आपको इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 87A का रिबेट जितना मिला है उसकी एंट्री यहाँ आपको एंड में करनी है। तो जैसे मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, फिर इसके हिसाब से आपका जो डिटेल्स है ऊपर सेट कर दिया है। सो यहाँ आप देख सकते हो, सो यहाँ आपका जो नेट टैक्स पेएबल अमाउंट है वो चेंज हुआ है। सो यहाँ आप देख सकते हो उसके हिसाब से चेंजेस हो चुका है। फिर आपको आना है डिडक्टर डिटेल्स में, फाइल को सेव करना है, ओके ओके। फिर आना है जनरेट में, यहाँ आपको CSI फाइल सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट, ओपन, वैलिडेट, ओके। अब बैकग्राउंड में इसका वैलिडेशन चालू हो गया है। फाइल अगर सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई तो आपको मैसेज शो करेगा फाइल सक्सेसफुली वैलिडेटेड, और अगर इसमें कुछ एरर है तो आपको वो मैसेज शो करेगा। सो इस तरीके से देखिए आपका फोर्थ क्वार्टर का जो रिटर्न था सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है, ओके। ये आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, ओके। सो अभी आपको डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट फोल्डर में लेके गया। यहाँ आपका 27A जो है
रिवाइज रिटर्न का जनरेट हो चुका है, इसे आप ओपन करके व्यू कर सकते हो। सो इस तरीके से आपका क्वार्टर फोर का रिवाइज रिटर्न का 27A जनरेट हो गया है। और अब इस फोल्डर से आपको जो लगने वाला फाइल से उसे आपको कॉपी करके एज यूजुअल जैसा आप रिटर्न फाइल करते हो उस तरीके से आप रिटर्न सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से सैन्यू के टैक्सबेस प्रो या TDS प्रो सॉफ्टवेयर के जरिए आप आपके क्वार्टर फोर का TDS का रिवाइज रिटर्न सैलरी के अगेंस्ट सबमिट कर सकते हो या जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।